जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच जो आपसी मतभेद हैं वह उभर कर सामने आ गए हैं। हालांकि अभी थोड़े समय पहले क्वाड की ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं, साथ में आगामी कुछ महीनों में जापान में क्वाड की अगली मीटिंग होने वाली है। इस बैकग्राउंड में साउथ कोरिया के जो आगामी राष्ट्रपति हैं उन्होंने लिया है एक नया निर्णय। उस निर्णय के अनुसार अब साउथ कोरिया विचार कर रहा है कि क्या उसने क्वाड को ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, क्वाड जैसा कि नाम दर्शाता है यह चार देशों का समूह है। क्वाड ने अपनी पिछली मीटिंग्स में साफ कर दिया है कि इस संगठन का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। जब क्वाड का विस्तार नहीं हो सकता तो सवाल उठता है कि क्वाड को साउथ कोरिया कैसे ज्वाइन करेगा। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहला विकल्प यह है कि जो वर्तमान क्वाड है उसमें भारत की जगह साउथ कोरिया को बिठा दिया जाए, मतलब साउथ कोरिया भारत को वर्तमान क्वाड में रिप्लेस कर दे। दूसरा विकल्प यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में और भी नए क्वाड बना दिए जाएं और उन क्वाड समूहों में साउथ कोरिया को शामिल कर लिया जाए। जहां तक दोस्तों बात है पहले विकल्प की, तो हमें यह बात समझ में आती है कि साउथ कोरिया के अमेरिका के साथ डिफेंस रिलेशनशिप तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत हैं। इसलिए यदि अमेरिका को साउथ कोरिया अधिक पसंद आता है तो यह बात हमें समझ में आती है। लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में जितना वजन भारत का है उतना भार साउथ कोरिया का बिल्कुल भी नहीं है। साउथ कोरिया की जो डिप्लोमेसी है वह भी भारत की तुलना में बेहद कमजोर है। साउथ कोरिया अपने देश की आर्थिक प्रगति में ही हमेशा लगा रहता है। ज्यादा से ज्यादा वह नॉर्थ कोरिया के बारे में चिंता कर लेते हैं। उल्टा वह तो चीन और अमेरिका के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए जहां तक हमें समझ में आता है अमेरिका इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि वह भारत को निकाल के साउथ कोरिया को जो है शामिल कर ले क्वाड में। और यदि अमेरिका करता भी है तो इस प्रकार अमेरिका वही गलती दोहराएगा जो गलती उसने कोल्ड वॉर के समय कमिट की थी। जो देश अपनी खुद की ऐतिहासिक गलतियों से नहीं सीखते हैं वह वर्तमान का बनते हैं शिकार। इसलिए यदि अमेरिका भारत को निकाल कर साउथ कोरिया को क्वाड में बिठाता है तो इससे इफेक्टिवली अमेरिका भारत को धकेल रहा है रूस के कैंप में, और इससे चीन के खिलाफ लड़ने की अमेरिकन गंभीरता पर भी लग जाएगा सवालिया निशान। रही बात दूसरे विकल्प की कि इंडो पैसिफिक रीजन में और भी नए क्वाड बना लिए जाएं, तो दोस्तों यह विकल्प भी हमें समझ में नहीं आता है। एक ही रीजन में एक ही काम करने के लिए आप कितने क्वाड बनाओगे? इंडो पैसिफिक रीजन में एक चाइनीज चैलेंज का मुकाबला करने के लिए यदि मल्टीपल क्वाड बना लिए जाएंगे तो इससे अमेरिका के समय और ऊर्जा दोनों का नाश होगा। चीन के खिलाफ अमेरिकन रणनीति और कमजोर हो जाएगी। इसलिए जहां तक हमें समझ में आता है क्वाड जिस रूप में है वह प्रभावशाली है और अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। रही बात यह है कि भारत अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर ले तो दोस्तों वह संभव नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने जो रुख अपनाया है वह केवल अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए अपनाया है। इसलिए भारत अपने राष्ट्रीय हितों को अमेरिका के लिए कुर्बान तो करेगा नहीं। इसलिए दोस्तों जहां तक हमें समझ में आता है दोनों विकल्पों में से किस विकल्प का चुनाव करना है इसका निर्णय लेना है अमेरिका को। आपके अनुसार अमेरिका क्या करेगा? इन दोनों विकल्पों में से किस विकल्प की संभावना सबसे अधिक है? आप अपने विचार वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।